Students, today's our subject is English and we are going to learn about cursive letters A to Z. आज हम लोग A to Z repeat करने वाले हैं. So let's we start. Student, our first letter is A. But student, you know already we have 1, 2, 3, 4 line and we start every cursive letters from third line. We start every small cursive letter from थर्ड लाइन. सो वी स्टार्ट ए फ्रॉम थर्ड लाइन 1, 2 and 3. थर्ड लाइन है हमारी, वो वाली लाइन से हम स्टार्ट करेंगे. वी राइट ए लाइक दिस. ए, नेक्स्ट लेटर इज बी. वी राइट बी लाइक दिस. नेक्स्ट लेटर इज सी. नेक्स्ट लेटर इज D. Next letter is E. Next F. We go slant, then standing, then make curve like this. F. Next letter is G. First we make C, go up, down, slanting line like this. G. Next letter is F, H. So we draw a slanting line, then standing line, and go upside, and then standing line like this. It is H. Next letter is I. We make I. Next letter is J. We make J like this. Next letter is J. Our next letter is K. We go slant, we draw slanting line, then standing line, then make curve like this. It is K. Next is L. Go slanting line, standing line, small curve like this. It is L. M. Next letter is M. Next is N. Next letter is O. Next letter is P. Next letter Q. Next is R. Next is S. Next letter T. Next letter is U. U. V. W. Y, Z. You already wrote our A to Z small cursive letters. We all एक बार फिर से हम लोग इसको read करेंगे. It is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने A to Z लिख दिया. अब मैं आप लोगों को A to Z एक साथ लिखना सिखाऊंगी, एक ही लाइन में एक साथ. मतलब आपको पता तो है कि हम लोग जब भी जॉइनिंग वर्ड लिखते हैं तो A to Z लिखते वक्त, अरे सॉरी, जॉइनिंग वर्ड लिखते वक्त चाहे या दो लेटर का वर्ड हो या तीन लेटर का वर्ड हो तो हम हाथ उठाते नहीं है. तो इसमें भी मैं आपको बिना हाथ उठाए A to Z लिखना सिखाती हूँ. और हमको जो जॉइनिंग वर्ड सीखने हो भी
अभी हमको जॉइनिंग कर्सिव वर्ड सीखने, मतलब कर्सिव लेट वर्ड सीखने हैं तो लेटर को जॉइन करना आना चाहिए, इसीलिए हम लोग अभी जॉइंट लिखेंगे, ए टू जेड एक साथ लिखेंगे। जो ए टू जेड एक साथ लिखना आप सीख जाओगे तो कर्सिव वर्ड आराम से सीख जाओगे। तो हम स्टार्ट करेंगे, आपको ध्यान रखना है, आपको हाथ उठाना नहीं है, ओके बेटा। सो फर्स्ट वी राइट ए, ए, फिर यहाँ से हमको लेना है बी, फिर बी, फिर मैंने बी पूरा किया, वहाँ से मैं सी लूँगी, सी, फिर सी की जगह वहाँ से ही मैं डी ले लूँगी, डी, फिर डी पूरा हुआ वहाँ से ई, ई पूरा हुआ वहाँ से एफ, फिर वहाँ से जी, फिर वहाँ से एच, फिर आई, फिर जे, फिर वहाँ से के, फिर एल, फिर एम, फिर वहाँ से एन, फिर ओ, फिर वहाँ से पी, फिर वहाँ से क्यू, वहाँ से आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। अभी आपको क्या करना है बेटा, हमारा जो डॉट बाकी रहा है, लाइन बाकी रही है, वो जेड का पूरा हो जाए उसके बाद हाथ उठा के पिकलना है। फिर एच के बाद आई और जे में दो डॉट आएंगे तो वो डॉट किया, फिर टी की लाइन बाकी रही हमारी तो वो लाइन करें। ये आपको जब लिखना आ जाएगा इसके बाद आप कर्सिव वर्ड आराम से लिख जाओगे। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि आपको जो जो लेटर की पूंछड़ी है वो पूंछड़ी छोड़नी नहीं है और वो पूंछ से सारे लेटर लिखते जाना। फिर से हम लोग लिखेंगे, देखना बराबर, ए बी, ये बी की पूंछड़ी है ना, वहां से मैं सी बना लूंगी, फिर सी की पूंछड़ी से डी बना लूंगी, फिर उसकी पूंछड़ी से ई बना लूंगी, फिर ई की पूंछड़ी से एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे की पूंछड़ी से के, फिर एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। अभी हम लोग जो हमारे डॉट और लाइन बाकी है वो कर लेंगे। तो एच के बाद आई के ऊपर डॉट आएगा, जे के ऊपर डॉट आएगा और टी के ऊपर लाइन आएगी। एक बार हम फिर से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ओके बेटा। फर्स्ट वी राइट ए, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। बेलम को हम लोग डॉट एंड टी की लाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको अभी समझ में आया, पहले मैंने ए टू जेड एक साथ सिखाया, पहले मैंने ए टू जेड एक साथ हम कैसे लिखेंगे वो ए टू जेड एक साथ लिखने का सिखाया, इसके बाद एवरी लेटर अलग अलग पहले सिखाया और इसके बाद ए टू जेड एक साथ लिखना सिखाया। तो बेटा आप लोग भी ऐसे, आपको जो मैं होमवर्क दू वो तो करना, पर उसके बाद जो मैंने ये सिखाया ए टू जेड एक साथ लिखना हाथ उठाए बिना, उसकी बार बार प्रैक्टिस करना, तो आपको कर्सिव वर्ड लिखना आ जाएगा, कर्सिव वर्ड लिखना आराम से आपको समझ में आ जाएगा।